नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि आप थक चुके हैं। गरीबों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है, उस तरह सत्ता में बैठने के लिए आपने सत्ता का गठबंधन बदलते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, और आपको बता दें कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्हें पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया और माला पहनाया गया। और आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो जमकर हमलावर हुए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप तैयार हो जाइए, जनता आपका हिसाब लेगी और बीजेपी भी आपका हिसाब लेगी। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। जिस तरह की स्थिति इन्होंने बनाई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा नल जल योजना गांव गांव तक पहुंचाना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार की सरकार ने कहा कि हम 12000 करोड़ रुपया नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ईगो हमारा क्लैश होगा। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 36000 करोड़ रुपया नल जल योजना पे खर्चा हुआ, गली पक्की नली पर खर्चा हुआ, उसमें 25000 करोड़ रुपया 13वां, 15वां और 14वां वित्त योजना के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। आप क्या समझा रहे हो? आज बिहार के बजट का 2,37,000 करोड़ बजट है, और किसी न किसी रूप में 1,70,000 करोड़ का बजट भारत सरकार के सहयोग से मिलता है, चाहे वह रेवेन्यू के तौर पर, ग्रांट के तौर पर या असिस्टेंट के तौर पर। क्या समझाना चाह रहे हैं बिहार के लोगों? नीतीश कुमार जी केंद्र के सहयोग से डबल इंजन की सरकार थी, और लगातार गरीबों को ठगने का काम किया है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा साथी, गरीबों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि आप थक चुके हैं। आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है, उस तरह सत्ता में बैठने के लिए आपने सत्ता का गठबंधन बदलते रहे हैं, और ये 8 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव बिहार की जनता ने दिया, लेकिन आपने लगातार कपड़ा बदल बदल कर उनको ठगने का काम किया। इसलिए हम तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम विधायक, MLC, सांसद, हम नीतीश कुमार जी से एक एक पाई का हिसाब लेंगे, इतना आश्वस्त करता हूँ। आपको कुछ पूछना है?